हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दुर्लभ संयोग से शुरू हो रहा हिंदू नववर्ष, इन पांच राशि वालों को मिलेगी धन की पोटली। अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल के तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 9 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021 की शुरुआत हो रही है। हर साल नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है। सभी व्रत त्यौहार हिंदू कैलेंडर की तिथियों के आधार पर ही मनाए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 30 सालों बाद हिंदू नववर्ष में शुभ राजयोग बन रहा है। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में हिंदू नववर्ष के दिन गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म वालों के लिए तो हिंदू नववर्ष बेहद महत्वपूर्ण होता ही है। इस साल ज्योतिष की नज़र से भी यह वर्ष बहुत खास है। दरअसल 30 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत कई शुभ योगों में होने जा रही है। 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021 के पहले दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शेष राज्यों का संयोग बन रहा है। वही विक्रम संवत 2021 की राजा मंगल और मंत्री शनिदेव होंगे, जिनके पूरे वर्ष सभी राशियों पर प्रभाव बना रहेगा, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है, साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो पांच लकी राशियाँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदू नववर्ष पूरा साल अच्छे से गुजरे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। इससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि मेष है, उनके लिए हिंदू नववर्ष ढेर सारी खुशियाँ और सौगात लेकर आ रहा है। इस दौरान आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर कोई व्यापार करता है तो उसे बड़ी डील मिल सकती है। इस दौरान बनने वाला राजयोग आपकी तरक्की में सहायक होगा। आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी। नंबर दो, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी नव वर्ष विक्रम संवत 2021 शुभ फल दे सकता है। उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। निवेश से लाभ हो सकता है। आप संपत्ति में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करने वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। परिवार में खुशहाली रहेगी। हिंदू नववर्ष आप लोगों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस साल आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही आय के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं परिवार में सुख शांति रहेगी और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना सकता है। साथ ही इस साल आपको योजनाओं में सफलता मिलेगी। वही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। साथ ही राजा मंगल की वजह से पुराने चले आ रहे कर्जों से मुक्ति मिलेगी और निवेश के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। वही कारोबारियों को इस साल धन लाभ होगा, साथ ही व्यापार का विस्तार होगा। नंबर तीन, धनु राशि। नव वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए भी शानदार रहने वाला है। आपको कामों में सफलता मिलेगी। चुनौतियों आपके सामने टिक नहीं पाएगी। नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे और आप करियर में बहुत सफलता पाएंगे। आर्थिक उन्नति भी होगी। आपको धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। इस पूरे साल आपको आर्थिक मामलों में कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके पास पर्याप्त धन रहेगा। हिंदू नववर्ष धनु राशि के लोगों को लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होगा। साथ ही अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो इस वर्ष इच्छित लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी। वही इस साल आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। साथ ही इस साल आप कोई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। वही इस वर्ष आप धन की सेविंग करने में भी सफल रहेंगे। साथ ही इस साल आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नंबर चार, वृषभ राशि। हिंदू नववर्ष में विक्रम संवत 2021 की शुरुआत पर बन रहे शुभ योगों का सबसे ज़्यादा लाभ वृषभ राशि के जातकों को होने वाला है। विशेष तौर पर इन जातकों को करियर में बड़ी उन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। उन्हें नई और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। वेतन में बढ़ोतरी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर देगी।
बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा व्यापारी जातकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जीवन में भौतिक सुख और सुविधाएं बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि वृषभ है उनके लिए इस दौरान बनने वाला राजयोग नौकरी और करियर में तरक्की लेकर आ रहा है। वृषभ राशि के जातक इस दौरान पूरी तरह से तनाव मुक्त रहेंगे। आपके व्यापार में ढेर सारा मुनाफा होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हिंदू नववर्ष आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। नंबर 5, मकर राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि मकर है उनके लिए हिंदू नववर्ष खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आपके परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं। व्यापार में तरक्की होगी। मकर राशि के लोगों के लिए हिंदू नववर्ष तरक्की वाला साल साबित हो सकता है। आपके नए और प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है या फिर आपको कोई बड़ा मुआवजा मिल सकता है। आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। आपकी धन के निवेश से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके फैन हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आप ये वीडियो अपने सभी मित्र और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।